इसी सर्कल में अगर ये आर्क है और ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है और यही वाली आर्क यहाँ पे भी एंगल बना रही है तो ये एंगल सेम होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल या एंगल फॉर्म बाय द सेम आर्क इन द सेगमेंट आर इक्वल। तो ये रिजल्ट है कि ये जो एंगल्स है इक्वल होने, टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन था 20 सेट में, ठीक है। यहाँ पे मैं वैसे ही नेम लिख देती हूँ ऐसे बे, ठीक है। ये था नेम कोई भी था, आपने ही बताना था कि ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग बताना था नेम कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। अब एंगल ये देखो, जैसे ये आर्क है, ये आर्क ये वाला एंगल बना रही है, ऐसे ही ये वाली आर्क ये एंगल बना रही है, तो एंगल ए और सी इक्वल हो गए। ऐसे ही ये वाली आर्क ये वाला एंगल भी तो बना रही है, तो इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल हो गया। अगर इधर से आर्क देखते हो तो यहाँ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, और अगर इधर से आर्क देखते हो तो ये वाले एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो बी के इक्वल क्या आएगा, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल का नेम क्या आएगा, ओ ए बी ओ सी, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी, बस मेन इसमें यही था। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया होता, दूसरा ट्रायंगल का नेम बताना, ठीक है। बी सेट में थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, ए सेट तो बिल्कुल ही सीधा था ना, ठीक है। तो मैं बी सेट की ना आपको आज ग्रुप में डाल दूंगी, आपको रीड कर लेना सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। कौन रोमबस वाला क्वेश्चन में क्या होता है, रोमबस में क्या होता है, सारी साइड सेम होती है, सीधे बैठो, रोमबस की सारी साइड इक्वल होती है, सीधा और सीधा, रोमबस की सारी साइड इक्वल होती है। और डायगोनल्स क्या करते हैं, बाईसेक्ट करते हैं। तो दोनों साइड में डिफरेंट क्वेश्चन थे, एक में साइड 10 गिवन थी, एक डायगोनल गिवन था, पता नहीं 12 था या जो भी था, तो 6 6 आ गया क्योंकि डायगोनल्स बाईसेक्ट करते हैं। अगर ये 6 है, डायगोनल्स ऑफ द रोमबस बाईसेक्ट ईच अदर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 8, तो 8 का डबल हो जाएगा 16, तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 16। एट आंसर, साइड बताओ ये कितनी है, देख लेते हैं, इसलिए एक आधे का होगा अगर ऐसे 16 ही चेक। पेपर मुझे दे दो, मैं दे दूंगी, ठीक है। हाँ जी, ये मैं दे दूंगी दोबारा एक बार रिव्यू करके अभी ब्रेक में। हाँ जी, देखो इधर एक क्वेश्चन और था, उसमें डायगोनल दिए हुए थे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू भी कर सकते हो, या एक चीज और, अगर डायगोनल दिए हो, अच्छा डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं रोमबस के, स्क्वायर के इक्वल होते हैं ना, रोमबस के अनइक्वल होते हैं। अगर सपोज ये 10 है और एक 15 है, ये साइड निकालनी हो तो ये 10 का हाफ आ जाएगा 5, इसका हाफ आ जाएगा 7.5, पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड आ गई, मिसिंग साइड, उससे साइड मिल जाएगी। ये क्वेश्चन शायद इस तरह का था, साइड दी हो तो डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल दिया हो तो साइड आ जाएगी, और अगर एरिया ऑफ रोमबस फाइंड करना हो तो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस बेस इनटू हाइट, और अगर पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ट्रायंगल बनता है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। लिखो अब क्वेश्चन देते हैं, लिखो पहले रीड कर लो, 6.6 नहीं तो रह जाएगी वो, एक बार कर लो जरा, बिल्कुल आवाज ना आए किसी की, रीड करो जल्दी से 6.6 की सारी स्टेटमेंट, समझ रीड कर लो सारी स्टेटमेंट।
पहले उसके बाद ही क्वेश्चन करना, रीड करो जल्दी से, सीधे बैठो तो क्वेश्चन करो, तुम दोनों भी सीधे बैठो, चलो सीधा, नहीं ज्यादा सीधा हो गया। पोल्स, ये पोल्स है दो, मैंने पूरा नहीं किया, उन्होंने आधा किया हुआ। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल साथ, ताकि छोटा और बड़ा सिमिलर है, छोटे वाले अब यार छोटे वाले छोटे वाले ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल छोटा और बड़ा बन रहा है ना, तो इसका कैसे हो जाएगा साइड की पार्ट। दो इक्विलेटर ट्रायंगल, दो इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर, इक्विलेटर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी कॉस क्या होगी, जो एरिया का रेशियो ऑफ कॉस क्या होगा, आप इसको एक इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड के लिए उसका इक्विलेटर ट्रायंगल बनाओ, है ट्रायंगल की जगह, पता क्या है
ये वैसे क्वेश्चन इस तरह का है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय जेड, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये लर्न करना है, ठीक है। एटलीस्ट में किया गया है, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया है, इसकी रेशियो ली है विद द बेस, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया है, इसकी रेशियो ली है विद द बेस, दोनों रिजल्ट को ऐड कर दिया, ये आंसर है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं आपको इसका प्रूफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, मैं कर दूंगा, ढूंढना पड़ेगा, इसको तो मैंने दे रखा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये लर्न कर लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y और z इज इक्वल टू, इसलिए आ रहा है क्योंकि z इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसलिए इक्वल टू 1 बाय z। अब आप इसमें लगाओ ये रिजल्ट, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय h, एलसीएम लेके यहां से h आएगा 2.4, दिए ही हुआ, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दिया हुआ बस, एलसीएम रिजल्ट भी दे रखा है, लेकिन रिजल्ट में एक रिजल्ट और भी है वो भी भेज दूंगा, इसी का ही पार्ट है, स्टेटमेंट ही मिली अभी तक, लेकिन इसी के ही दो पार्ट है, ये ए पार्ट है, ऐसे बी का स्टैंडर्ड रिजल्ट और भी है। आज मैं आपको ना सिर्फ इस चैप्टर के थोड़े से रिजल्ट भेजूंगी, थोड़ा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही है, वो हर बुक में नहीं मिलेंगे। 2.4 आ रहा है ना, दो चीजें परपेंडिकुलर है, डबल ट्रायंगल बन रहा है सेम पीस, तब लगाएं। 2 4 वाला क्वेश्चन है इसमें, हाँ जी लिखो क्वेश्चन, एबीसी एक ट्रायंगल है, फॉर्म करो, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ एबीसी, डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, एडी 1 है, बीडी 2 है, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ए डी ई रेशियो फाइंड करनी है। टेस्ट में था ऐसा क्वेश्चन, 9:1 का आंसर, मैक्सिमम स्टूडेंट ने 1:9 लिखा था, ट्रायंगल का नेम भी ध्यान दिया था, ट्रायंगल का नेम का ऑर्डर अलग था, साइड की रेशियो ऑपोजिट थी, तो रिवर्स करके रेशियो करनी थी, बी सेट का क्वेश्चन था ये, 9:1 था आंसर, एडी 1 है, ये 3 है, आपको एबीसी चाहिए, एबीसी की साइड क्या आएगी 3, इसकी साइड क्या आएगी 1, 3/1 का स्क्वायर करोगे तो 9:1। एक रिजल्ट और बताया था कि दो सिमिलर ट्रायंगल में पेरिमीटर की जो रेशियो होती है वो साइड की रेशियो के इक्वल होती है, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हो तो साइड का स्क्वायर होता है, साइड की जगह ऑल्टीट्यूड मीडियन एंगल बाईसेक्टर कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये फाइंड करो, P Q R S ये 10 है, 5 X 8, X फाइंड करो, और
साइड की रेशो इस ट्रायंगल की एवरी साइड इस ट्रायंगल की एवरी साइड इस ट्रायंगल का ये वाला फेस इसका ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है कैसे डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर है इसकी 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 आ एक और रिजल्ट आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में उसके मिड पॉइंट्स को साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करके ट्रायंगल फॉर्म होता है तो ईच ट्रायंगल की स्मॉल ट्रायंगल की रेशियो 1/4 आती है विद द बिगर ट्रायंगल सिर्फ इसकी नहीं सबकी बुक में ये रिजल्ट किया था कि DEF की जो रेशियो है वो ABC के साथ 1/4 है लेकिन ऐसा नहीं है हर ट्रायंगल की रेशियो 1/4 है विद द बिगर ट्रायंगल क्यों क्योंकि ये सारे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और सिम सबका एरिया सेम है पर बड़ा ट्रायंगल कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है 4 ट्रायंगल ठीक है तो इसलिए सबकी रेशियो जो है वो 1/4 आएगी विद द बिगर ट्रायंगल ये टेस्ट में था क्वेश्चन अच्छा एक चीज और बतानी थी एक में वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है स्टेटमेंट तो नहीं याद लेकिन बस वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ अगर आपके पास 3:5:8 रेशो दे रखी है एक होता है ऑड्स इन फेवर और होता है ऑड्स अगेंस्ट वो फेवर वाली है वो फर्स्ट वाली होगी क्या आएगा 3/8 और जो ऑड्स अगेंस्ट है वो पीछे वाली 5 ठीक है क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिलेगी तो मैं देखूंगी अभी मिली नहीं है लेकिन ये पहले किसी बुक में कभी देखा होगा वो बुक्स और आ गई पहले किसी में देखा होगा तो फेवर वाला अच्छा दो तरह के क्वेश्चन होते हैं ना एक और वाला और एक एंड वाला मल्टीपल ऑफ 3 और 5 कहे तो 3 के मल्टीपल भी लेने हैं 5 के भी लेने हैं और कॉमन वाले रिमूव कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है टेस्ट में क्वेश्चन था ऐसे 5 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल और दोनों में जो कॉमन है वो माइनस तो आंसर था 29/90 और क्वेश्चन टेस्ट में ये था ये भी बी सेट का था मेरे ख्याल से डबल डिजिट नंबर में से डबल डिजिट नंबर आउटकम्स नहीं गिवन थी डबल डिजिट नंबर्स में से बताना था कि 5 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल कितने अब जब आप 5 के मल्टीपल लिखोगे तो आप 5 से लेके सारा लिखोगे डबल डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से तो 10 से लेके कितने आएंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 90 इसमें से माइनस किया 89+1 तो टोटल आउटकम्स आ गई 90 अगर नहीं समझ आता तो जो ऑप्शन दे रखी होती है उनमें से देख सकते हो आंसर में डिनोमिनेटर में सब में 90 था एक में 90 ठीक है वैसे पता चल जाएगा आपको आउटकम्स सिंगल डिजिट नंबर क्या था तो सिंगल डिजिट नंबर की क्या आती है ठीक है डबल डिजिट की 90 आउटकम्स है इनमें से 5 के मल्टीपल लिखने थे फिर 7 की फिर कॉमन वाले माइनस कर अब जो 5 के मल्टीपल लिखने थे फर्स्ट मल्टीपल आना था 5 लेकिन हम तो स्टार्ट कर रहे हैं डबल डिजिट से तो 5 नहीं ले लेता ऐसे ही 7 के मल्टीपल में 7/14 तो 7 नहीं ले लेता ठीक है और कॉमन वाले माइनस करने थे तो आप जब 5 के मल्टीपल ले रहे थे ना तो कितने बन रहे थे पता है 30 वैसे देखो इधर 33/90 बन रहे थे सारे मल्टीपल मिला के 5 के भी 7 के भी इसमें से जो कॉमन वाले थे ना वो दो थे एक था 35 दूसरा था 70 तो वो माइनस कर दिया ये आ गया अब इसमें 5 भी है और 7 भी है
फाइव सिंगल डिजिट नंबर है, सेवन भी दोनों रिमूव कर दिए, 29/90 आ गया। आप स्टार्टिंग ही 10 से कर लेंगे, ठीक है? तो आंसर था 29/90। आपने कौन सा पूछा था अभी? हाँ, एंड ये तो और का केस था। अब आ जाए सिर्फ एंड, अगर फाइव एंड सेवन, तो फाइव के मल्टीपल और सेवन के मल्टीपल में जो कॉमन है मतलब 35 और 70 क्या आएगा? 2y। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते हैं। एंड मतलब कॉमन, और का मतलब है सारे लेकर जो कॉमन वाला है वो माइनस, ठीक है? क्लियर है? ये आ जाता है एंड और का केस।